बजाओ 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 ताली बजाओ। लव यू डॉक्टर्स, पुलिस और जितने भी साफ सफाई वाले कर्मचारी जितनी मुश्किल में भी डटे हुए हैं, आई लव यू। वो देखो वहाँ, थैंक यू सो मच इंडिया जो आपने सपोर्ट किया मोदी जी को। देखिए सारे लोग अपने घरों में है, आज नहीं अगले 10-15 दिन घर में रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और बस कोरोना को भगा दीजिए फटाफट। लव यू। कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, थैंक यू कोकिलाबेन हॉस्पिटल। एसपी ने हमें चैलेंज किया है कि हम घर पे हैं कि नहीं। बिल्कुल, हम आज नहीं पिछले एक हफ्ते से घर पे हैं और आगे भी 10-15 दिन घर में ही रहने वाले हैं। क्यों गाइज, हम मजे कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और कहना चाहूंगी, बहुत सारे टीवी स्टार, फिल्म स्टार वीडियोस बना रहे हैं अपने फैंस के लिए जो उनको चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो थोड़े बहुत मेरे भी हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ कि प्लीज, जैसे कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि कल जनता कर्फ्यू है 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, तो प्लीज इसका पालन कीजिए। इसका क्या, आगे आने वाले 10-12 दिन तक आप प्लीज जहाँ है वही रहिए, अपने घरों में रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा अच्छा हेल्दी खाना खाइए और हाथ बार बार धोइए, सैनिटाइज कीजिए। और बस कल एक और बात मैंने बतानी थी, मैं भूल जा रही हूँ कि कल 5 बजे आपने खिड़की, बालकनीज, दरवाजों पे आके तालियां बजानी है और उनको अप्रिशिएट करना है जो इस मुसीबत की घड़ी में डट के मतलब सामना कर रहे हैं और हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो है हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारी पुलिस। यार इनको अप्रिशिएट करना तो बनता है। सो गाइज, मैं तो तैयार हूँ कल 5 बजे शाम को अपनी बालकनी में आके जोर जोर से तालियां बजाऊंगी और बोलूंगी आई लव यू डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिस। आप सब भी कीजिएगा और आने वाले 10-12 दिन प्लीज घर में रहिए, साफ सुथरे रहिए, साफ सुथरा खाना खाइए, योगा कीजिए, मजे कीजिए अपनी फैमिली के साथ। और आपको तो पता ही है हम लोग इंडियन कितने ढीठ होते हैं, जब कुछ ठान लेते हैं तो करके ही रहते हैं। बस अगर हमने ठान लिया है कि इस कोरोना वायरस को भगाना है तो बस भगा देना भाई। मुझे पता है आप लोग सब मेरे साथ हो, हम पूरा साथ हैं, देश के देश को साफ सुथरा बनाना है, इस कोरोना वायरस से मतलब सेफ करना है। सो गाइस कल तैयार है, कल क्या, आने वाले 10-12 दिन घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन कल 5 बजे अपने डॉक्टर्स, नर्स और पुलिस को अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और मजे कीजिए, बस देखना फटाफट चला जाएगा वायरस ये। All right, ladies and gentlemen, we have Kapil Sharma.
नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो पूरे विश्व में बहुत ही तेजी से फैल रहा है और पूरे विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। और हमारे देश में भी हमारी सरकार और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सो ऐसे में हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम लोग अपना योगदान दें। सो हम लोग अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? अपने घरों में रहकर, जब तक कि कोई बहुत ही जरूरी काम ना हो, आप अपने घर से बाहर ना निकलें, भीड़भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं और अपने हाथों को साफ रखें, सैनिटाइज करें, दिन में 8-10 बार अपने हाथ धोएं और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू जो है वो रखा है ताकि वो देख सकें कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि 22 मार्च को हम लोग घरों पर रहेंगे उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसको जाने में थोड़ा समय लगेगा और समय लगेगा, लेकिन हाँ, जब तक हम सब लोग मिलकर इसमें अपना योगदान नहीं देंगे तब तक हम इस समस्या से निजात नहीं पा सकेंगे। सो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और स्पेशली 22 मार्च को हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अपने घरों में रहें। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि शाम को 5 बजे आप अपनी बालकनी में खड़े होके क्लैपिंग करके उन डॉक्टर्स को अपना समर्थन दे सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सो उनको अच्छा लगेगा बिकॉज वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। सो 22 मार्च ही नहीं, उसके बाद भी कोशिश करें कि जितना घर से कम निकलें उतना ही अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है, पूरे विश्व के लिए अच्छा है। सो मैं प्रे करता हूं कि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये जल्द से जल्द खत्म हो और हम सब खुशी खुशी दोबारा अपने काम पे वापस लौटें। और स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। वेलडन सर,
बॉस 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 थोड़ा सा हटा जाना।